मैं जानना चाहता हूँ ईर्ष्या क्या है और इसको कैसे रोक सकते हैं। ईर्ष्या तो जिसके साथ जलस चाल स्पर्धा हो जाती है ना, उसका बुरा होने की ईर्ष्या चालू हो जाती है। वो मेरे साथ बहुत है ऐसे। तो लोग करते हैं कि आप दूसरे के ऊपर करते हो? मैं करता हूँ। आप दूसरे के ऊपर करते हो जी। तभी लिस्ट बनाने का, किस व्यक्ति के लिए किस प्रकार की ईर्ष्या भाव होती है उसके लिए पॉजिटिव सोचो, प्रार्थना करो। लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ तो हरकत नहीं, एक एक कम तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक एग्जांपल देखे, सब लोग हाईवे हम गाड़ी चलाते हैं, हमारे पास वाली गाड़ी आगे गई तो हमें ईर्ष्या आ गई, साले को पीछे को करके हम आगे लेते, ऐसे ही करते कि नहीं जी। तो ये नज़दीक वाले से आगे, तो हमारे आगे लाखों गाड़ी आ गई, उसके साथ हमें कुछ लेना देना नहीं, और हमारे पीछे भी लाखों गाड़ियाँ बाकी यही रास्ते पर आएगी, यही जगह से गुजरेगी, हमें उसके साथ भी लेना देना है। सिर्फ आसपास वाले के साथ हमें कंपैरिजन हो जाती है और बाद में जलस चालू होती है कि ये आगे क्यों गया, उसको पीछे हका लो। कई बार हमसे कम कैपेसिटी का व्यक्ति भी आगे निकल जाता है, तो जाने दो उसको, उसका कर्म उसको आगे लेके जाता है। और यही हमारी भावना, वो साला आगे गया, वो द्वेष भाव ही हमारा अंतराय का कारण है, वही हमारी प्रगति को रोकने का कारण है। आप दूसरे के लिए, सब लोग आगे बढ़ो, सब आगे बढ़ो, सब आगे बढ़ो, तो आपके अंतराय टूटेंगे, आप तो आगे बढ़ ही रहेंगे। ये सोचेंगे लेकिन आसपास के लोग सोचने नहीं देते इस तरह। नहीं, ये वो सोचने नहीं सोचने का कारण उनका नहीं, हमारा है। मन हमारा, बुद्धि बताएगी ये आगे गया तो हम प्रार्थना करने के, हे दादा भगवान वो बहुत आगे बढ़े, सबकी तरक्की हो, ऐसी कृपा करो बस। आपकी कृपा चाहिए। हाँ सर, ये समझ लो तो कृपा उतरेगी दादा भगवान की। धन्यवाद। नहीं, ये बावड़ी रहती है ना स्टेपवेल, हाँ बोलेंगे तू चोर है, तू चोर है, तो बावड़ी क्या बोलेगी, तू चोर है, तू चोर है। तो हमें पसंद नहीं है तो क्या करना है, तू राजा है, बोलेगी तू राजा है, तू राजा है, तू महाराजा है, तू महाराजा है, तू महाराजा है। तो ऐसे आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, तो कुदरत हमें बोलेगी तू आगे बढ़, अंतराय टूटेंगे हमारे, तो क्या प्रारब्ध ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। तो प्रारब्ध जान के क्या कर्म करने की कोई जरूरत नहीं रहती क्या? नहीं, प्रारब्ध तो बाद में आता है, पहले परा प्रयत्न करो, रिजल्ट आ गया समझ लो, प्रारब्ध में इतना था मिला, व्यवस्थित है। अगर मालूम नहीं हमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए पूरा प्रयत्न करो, एंड रिजल्ट आया एक्सेप्ट करके वापस प्रयत्न चालू रखो पॉजिटिव के लिए।